दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है ड्राफ्ट में बिकने वाले प्लेयर्स को लेकर। इसके बाद ट्रेड विंडो, आरसीबी टीम, चेन्नई सुपर किंग्स और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जोड़ देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जोड़ करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाई वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से, और इस टीम के तूफानी बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन ने बताया है कि पिछले 2 सालों तक वो आईपीएल में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते थे, लेकिन पंजाब किंग्स में आने के बाद उनका बैटिंग आईपीएल में काफी बेहतरीन हो चुका है और इस वजह से लिविंगस्टन को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफी बड़ा बेनिफिट देखने को मिला है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान यानी कि ऋषभ पंत को लेकर, और इस प्लेयर के खराब फॉर्म के ऊपर ब्रैड हॉग ने बड़ा बयान दिया है और ब्रैड हॉग ने बताया है कि ऋषभ पंत को एमएस धोनी को फोन करके इसका सॉल्यूशन पूछना चाहिए और एमएस धोनी से राय विचार लेना चाहिए कि आने वाले समय में किस तरीके से क्रिकेट खेला जाए। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से, और ये टीम आईपीएल 2023 के रिटेंशन प्रोसेस में अपने स्क्वाड के 3 बेहतरीन ऑलराउंडर्स को रिलीज करने के लिए तैयार हो चुकी है। जहां पर राजस्थान की टीम जिन ऑलराउंडर्स को अपने स्क्वाड से बाहर करेगी, उसमें पहला बड़ा नाम आता है डेरी मिचेल का, जिन्होंने काफी खराब परफॉर्मेंस किया था। दूसरा नाम आता है राशि वंडरसेन का, और वंडरसेन ने भी राजस्थान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं किया था। और तीसरा नाम आता है रियान पराग का, हालांकि रियान पराग के ऊपर अभी भी सस्पेंस है कि राजस्थान की टीम इस प्लेयर को रिलीज करेगा फिर नहीं। तो आपके हिसाब से राजस्थान की टीम को कौन कौन से प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से, और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम रिटेंशन प्रोसेस में काफी बड़ा डिसीजन ले सकती है और अपने कप्तान केन विलियमसन को अपने टीम से रिलीज भी कर सकती है, क्योंकि केन विलियमसन T20 क्रिकेट में बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में हैदराबाद की टीम केन विलियमसन को रिलीज करके नया कप्तान भी नियुक्त कर सकती है, जिस तरीके से हैदराबाद की टीम ने डेविड वार्नर को बाहर करके केन विलियमसन को अपना कप्तान बनाया था। तो इस साल संभव है कि हैदराबाद की टीम केन विलियमसन को बाहर करके किसी अदर प्लेयर को अपना कप्तान बना ले, और इसमें मुख्य नाम आता है स्टीव स्मिथ का। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है बिग बैश लीग को लेकर। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि बिग बैश लीग में अब आईपीएल के स्टाइल को कॉपी किया जाएगा, जहां पर आईपीएल स्टाइल ड्राफ्ट सिस्टम के तहत विदेशी प्लेयर्स को बिग बैश लीग की टीम अपने स्क्वाड में परचेज कर पाएगी, यानी कि अब बिग बैश लीग में भी आईपीएल के रूल्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के टॉप रिलीज प्लेयर्स को लेकर, यानी कि चेन्नई की टीम कौन कौन से बड़े प्लेयर्स को बाहर करेगी। तो इसमें पहला बड़ा नाम आता है इस टीम के गेंदबाज क्रिस जॉर्डन का, जो कि 100% चेन्नई से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद नाम आता है एडम मिलने, डोइने पिटोरियस, रॉबिन उथप्पा और आर हंग्रेकर का। तो इन सभी प्लेयर्स को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने स्क्वाड से पूरी तरीके से बाहर कर देगी। और काफी सारी रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने पूर्व कप्तान यानी कि रविंद्र जडेजा को भी रिलीज कर सकती है, क्योंकि जडेजा और चेन्नई के मैनेजमेंट के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ट्रेड विंडो और ट्रेड प्लेयर्स को लेकर। तो ट्रेड विंडो आप सभी को पता है कि बीसीसीआई ने 1 जून से ही ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया था, और इस विंडो के स्टार्ट होने के बाद सभी टीमें आपस में प्लेयर्स को ट्रेड करने के लिए बातचीत स्टार्ट कर चुकी है। जहां पर इस ट्रेड विंडो में मनीष पांडे, केएस भरत, मोहम्मद नबी, देवदत्त पड्डीकल, टी नटराजन समेत लगभग 10 काफी बड़े प्लेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आएंगे, जहां पर सभी प्लेयर अलग अलग टीमों में ट्रेड होते हुए नजर आने वाले हैं।
हैं, तो आप अपनी फेवरेट टीम में कौन कौन से प्लेयर्स को ट्रेड होते हुए देखना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की 8वीं बड़ी अपडेट है ऑक्शन से पहले प्री सोल्ड प्लेयर्स को लेकर, यानी कि एक तरीके से आप मान सकते हो कि ड्राफ्ट के तहत कौन कौन से प्लेयर्स को कौन कौन सी टीमें अपने स्क्वाड में ऑक्शन में टारगेट करेगी। तो इस लिस्ट के पहले बड़े खिलाड़ी है बेन स्टोक्स, और ऑक्शन में इस प्लेयर को मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई तीनों ही टीमों टारगेट करेगी, और हाईली चांस है कि आरसीबी या फिर एमआई की टीम बेन स्टोक्स को अपने स्क्वाड में परचेज कर ले। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम आता है सैम करन का, और सैम करन को ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 100% टारगेट करेगी, क्योंकि सैम करन पहले भी चेन्नई की टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुके हैं। इसके बाद इस लिस्ट में अगला बड़ा नाम आता है क्रिस गेल का, और क्रिस गेल को ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम टारगेट कर सकती है, क्योंकि आरसीबी टीम को एक बैकअप ओपनर की तलाश है, और क्रिस गेल लगभग 2 करोड़ की रकम में आरसीबी टीम को मिल जाएंगे, और अगर गेल चल जाते हैं तो आरसीबी टीम को आसानी से 3 से 4 मैच जितवा देंगे। इसके बाद अगला नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का, और वरुण चक्रवर्ती को ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम टारगेट करेगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुंबई की प्लेइंग 11 में एक भी बेहतरीन इंडियन स्पिनर नहीं है, और कृणाल पांड्या के जाने के बाद मुंबई की टीम को बेहतरीन स्पिनर की तलाश है। इसके बाद इस लिस्ट के अगले बड़े प्लेयर है जेसन रॉय, और इस प्लेयर को हैदराबाद की टीम टारगेट करेगी, ताकि हैदराबाद को अभिषेक शर्मा के साथ एक बेहतरीन ओपनिंग पेयर बनाना मिल जाए। इसके बाद अगला नाम आता है पैट कमिंस का, और पैट कमिंस को दिल्ली कैपिटल्स की टीम टारगेट करेगी, क्योंकि दिल्ली के पास विदेशी गेंदबाज में सिर्फ नौरखिया है जो कि पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है, तो इस वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम पैट कमिंस को ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। अगला नाम आता है क्रिस लिन का, और क्रिस लिन को 100% कोलकाता नाइट राइडर्स टारगेट करेगी, क्योंकि केकेआर के पास बिल्कुल भी बेहतरीन ओपनर नहीं है, और 2022 में कोलकाता की टीम सबसे ज्यादा ओपनिंग डिपार्टमेंट में मात खा गई थी, तो इस वजह से कोलकाता की टीम क्रिस लिन को ऑक्शन में 100% टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की 9वीं बड़ी अपडेट है टीएनपीएल यानी कि मिनी आईपीएल को लेकर, और टीएनपीएल 2022 का सीजन आज से स्टार्ट हो रहा है, और इस लीग के सभी मैचों का सीधा लाइव प्रसारण टीवी में स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर किया जाएगा, वहीं मोबाइल फोन में डिज्नी हॉटस्टार एप्लीकेशन पर आप तमिलनाडु प्रीमियर लीग के मैचों को सीधा अपने मोबाइल फोन में लाइव देख पाएंगे। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से, और ये टीम अपना नया ओपनिंग पेयर बना सकती है, जहां पर अगर ये टीम क्रिस गेल को खरीदती है तो प्लेसिस और क्रिस गेल आरसीबी टीम के लिए ओपन कर सकते हैं, और किंग कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यही था आईपीएल से रिलेटेड आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।